कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक में तलाक, यूसीसी, मॉब लिंचिंग समेत 8 प्रस्ताव पारित हुए। बताया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वीकार नहीं है और उसे वापस लेने के हर संभव रास्ते तलाशे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने का ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर सुलेमान ने कहा कि ये फैसला शरीयत से मतभेद पैदा करता है, ये संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन है। बोर्ड ने दो टूक कहा कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए भीख है, उसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वीकार नहीं है और उसे वापस लेने के हर संभव रास्ते तलाशे जाएंगे। मामले को वापस लेने के विकल्प भी तलाशे जाएंगे। नहीं दिया जाएगा, पर्सनल बोर्ड ने कभी नहीं कहा। यह कहा है कि शरीयत एक्ट जो भारतीय संविधान का हिस्सा है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, और 1937 से लागू है, यह नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें भी ये लागू है। उसके मुताबिक जो धर्म पर आधारित 4-5 बिंदु हैं, निकाह, तलाक, निर्वाह यानी गुजारा भत्ता और हिबा, औकाफ, ये ऐसे बिंदु हैं जो धार्मिक बिंदु कहलाते हैं। इनमें जो है मुसलमान अपने जो फैमिली लॉज है उनके मुताबिक या इस्लामिक लॉज के मुताबिक जीवन यापन करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहते हैं ना संविधान से चलेगा शरीयत चलेगा, पार्ट ऑफ संविधान है। तो इसके मुताबिक पर्सनल बोर्ड का कहना है कि शाहबानों के मुकदमे के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने या मुस्लिम मुतल्लका सुरक्षा अधिनियम जो बना 1986 में, उसमें दिया है कि जो महिलाएं सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस लेना चाहें जा सकती हैं, वरना 127 के अंतर्गत ये है कि उन्हें महिलाओं को जो तलाक हो गई है उनको पूरा निर्वाह का रास्ता बनना चाहिए। वो क्या है? उसमें है कि इद्दत के समय का पूरा